दोस्तों नमस्कार, अजय साहनी स्टार आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जीवन है तो झंझावतें हैं, लगी रहेंगी। उदास होने की आवश्यकता नहीं है, हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, चलता रहेगा सब कुछ। अपने गति से आप भी चलते रहें, कर्म करें, मुसीबतों से दो दो हाथ करें, उनके निवारण हेतु, समाधान हेतु हर हाल में संघर्ष करें। निसंदेह सफलताएं मिलेंगी, आज नहीं तो कल। हार नहीं मानना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। समस्याएं हैं, समाधान भी हैं, बस आपको निरंतर कार्य करते रहना है, उस पे उसके समाधान की तलाश करते रहना, कर्म करते रहना है। दोस्तों मैं अजय साहनी स्टार आप सभी को अजय साहनी की कहानी के तहत आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यह कहानी आपके जीवन में भी शायद कहीं आपका मार्गदर्शन कर सके। उसके नायक के रूप में न करे तो कम से कम उसके खलनायक का ही जो किरदार है वो भी बहुत पावरफुल है। हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यदा कदा उनमें स्वयं को तलाश सकते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था रोशन। वह व्यक्ति काफ़ी पढ़ा लिखा, सुशिक्षित था, समझदार था और कर्मठी भी था। समय के साथ साथ वो अपने कार्य करता रहा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ीं, कई तरह की झंझावतें उसके समक्ष भी आईं, जैसा कि आम तौर पर लोगों के जीवन में आती हैं। उसने आनन फानन में अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक कदम उठाया और वो कदम था कि वह एक जमींदार साहब पहले हुआ करते थे, पहले की फिल्मों में, पहले की कहानियों में आमतौर पर जमींदार साहब, आजकल उसे आधुनिक रूप दे दीजिए, जमींदार जमींदार तो ठीक है, हैं लोग नहीं भी हैं, लेकिन एक लॉबी जो धनाढ्य हो गई है वो सेठ जी हो गए हैं लोग, तो उनका भी कहीं ना कहीं जमींदार जैसा ही देखा जाए तो जीवन है जो फिल्मों में जमींदार दिखते थे लोग। तो सेठ जी से उसने, एक सेठ जी थे जिनसे उसने कुछ पैसे उधार ले लिए, और कुछ पैसे क्या, 150,000 रुपये उसने कर्ज ले लिए। उसका एक समय सीमा तय हुआ कि 6 महीने में वह रुपए लौटा देगा सूद समेत। 6 महीने बीतते, आजकल समय नहीं लगता है जब आप किसी ऐसे तिथि का इंतजार कर रहे हों जिसके आने पर आपकी मुश्किलें बढ़ जाने वाली हों, तो वो तिथि आने में विलंब नहीं करती है। वैसा ही हुआ, रोशन अपना कार्य करते रहे और वह अपने कार्य में लगे रहे, मेहनत करते रहे। जिस तरह की अपेक्षाएं की गई थी उस कार्य से, उस रोजगार से, उस तरह की अपेक्षाओं की पूर्ति न हो सकी। रोशन ने जो कार्य किया उसमें वह असफल रहे, परिणाम नहीं आए बेहतर, और उन्होंने सही समय से सेठ जी को पैसा नहीं लौटा पाया। सेठ जी को पैसा न लौटा पाने की सूरत में पहले सेठ जी ने कई तरह के उन्हें अल्टीमेटम दिए, कई तरह की उनकी धमकियां और कई तरह की उन्हें मानसिक रूप से एक तरह से उन्हें वो दिया कि भाई आप जल्द से जल्द पैसे चुका दो वरना हम आपके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है वो कर देंगे। उचित कहने की बात थी, अनुचित कार्रवाई कर देंगे। रोशन परेशान हुआ, हैरान हुआ, इधर उधर भागा दौड़ा, लेकिन वो कहीं से कुछ बात बना नहीं पाया। सेठ जी ने अंततः एक दिन उसे अपने ऑफिस बुलवा लिया और बिठा लिया, कहा कि अब पैसा चुका के ही जाना है, वैसे नहीं जाना है। रोशन के पास देने के लिए सेठ जी को बहुत कुछ नहीं था, वो पैसे चुकाने का कोई और युक्ति नहीं सोच पा रहा था। उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं आपके यहाँ काम करके उस पैसे की भरपाई कर दूंगा, आप मेरी योग्यता अनुसार मुझे काम दे दीजिए और मैं आपका पैसा एक एक पाई चुका दूंगा, सूद समेत पैसा। रोशन को सेठ जी अपने यहाँ काम पे रख लिए, लेकिन उनके मन में एक टीस थी, एक तकलीफ थी कि रोशन ने उनका पैसा लेकर समय से नहीं लौटाया। सेठ जी ने उसे यातनाएं देने के क्रम में कार्य दे दिया, यानी उन्होंने सोच लिया कि इससे वो कार्य कराए जाएं जो कार्य यह एक
आम आदमी एक नौकर करता है या एक बदतर बदहाल कार्य सौंप दिया गया, उससे लैट्रिन की सफाई करवाना, यानी जो बाथरूम थे टॉयलेट थे, घर में खाना बनवाना, घर के झाड़ू पोछा करवाना, बर्तन मंजवाना उन्होंने शुरू कर दिया। रोशन चूंकि व्यवस्था मजबूर था, वो अपना कार्य बड़ी शिद्दत से करता था और मेहनती था, उसने वो कार्य को ही अपनी उस समय की आवश्यकता और जरूरत समझी और उससे वो लग गया, उस कार्य को मेहनत से करता रहा। एक दिन सेठ जी के पहले जमींदार साहब लोगों के जैसे पुरोहित महाराज आया करते थे लोग, पंडित जी जी आया करते थे लोग जमींदारों के यहाँ, और वो लोग उनके यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो अशुभ कार्य हो अपनी राय पास दिया करते थे। सेठ जी के यहाँ उनके एडवोकेट आए, वो रोशन को देखकर, चेहरे को देख के, हाव भाव को देख के ताड़ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर कोई स्पेशल स्किल है, यह पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन है और यहाँ नौकर के रूप में कार्य कर रहा है, कुछ तो दाल में काला है। फिर उन्होंने सेठ जी से पूछ लिया कि सेठ जी ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये हमारा नया नौकर है, और उन्होंने हंसी मजाक में उसकी खिल्ली उड़ाते हुए ये भी बता दिया कि ये कर्जा लिया था नहीं भर पाया, तो हमने इससे कार्य करवाने का, नौकरी करवा के अपना पैसा का भरपाई करने का सोच लिया है। वकील को बड़ा अजीब लगा और उसने क्या किया कि रोशन के बारे में आजकल सोशल मीडिया और अन्य तमाम साधनों से, वकील चूंकि पहले के पुरोहित जी या आजकल के वकील साहब तेज तर्रार होते ही हैं, होते थे, तो उन्होंने अपने स्तर से रोशन के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किया कि ये क्या है, क्या करता था, कैसा व्यक्ति है, और उन्हें जो जानकारियां मिली दोस्तों वो हैरान करने वाली थी। जी हाँ, रोशन के बारे में जानकारियां जो वकील साहब को मिली और उन्होंने जब सेठ जी को ये जानकारियां उपलब्ध कराई, तो सेठ जी भी पल भर के लिए सोच में पड़ गए। बिना सोचे समझे, बिना रोशन के हुनर को जाने समझे, सेठ जी ने जो कार्य किया उसके प्रति वो बहुत दुख देने वाला था, बहुत गलत निर्णय था, कुछ बड़ा हो सकता था। वकील ने बताया सेठ जी को कि सेठ जी, जिस व्यक्ति को आप अपने घर नौकरी करवा रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप अपने घर झाड़ू पोछा बर्तन करवा रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। जी हाँ, उस वकील ने सेठ जी को बताया कि वह रोशन जो आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन और चाय पानी बनाकर देने का कार्य कर रहा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अपने क्षेत्र का, जहाँ वह रहता था, जो उसका गांव था, जो उसका जहाँ का वो रहने वाला है, वहाँ का वह स्टार है, वहाँ का वह संगीतकार है, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा गाना गाता है, उसके अंदर बहुत अच्छे हुनर हैं, उसके बनाए हुए गीतों को बहुत लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और वह बहुत काबिल है, उससे ऐसे कार्य न करवाए जाएं, उससे यदि संभव हो तो कोई और बेहतर कार्य करवाइए। सेठ जी को यह बात समझ में आई और उन्होंने सोच लिया, एक्चुअली उनकी एक बेटी थी, सेठ जी की एक बेटी थी, एक बेटा था जो पियक्कड़ था, शराबी था, वो नशे में मस्त रहता था, अपना कार्य करता था, एंजॉय करता था, पार्टियां करता था, दोस्तों के साथ घूमता था। बेटी योग्य थी, सुयोग्य थी, लेकिन उसे उसके अंदर एक तलाश थी, बेटी बहुत अच्छी हुनर और फन और अदाकारा बनना चाहती थी, वह एक गायिका बनना चाहती थी, कलाकार बनना चाहती थी, हमेशा से उसको एक ललक रही। टिकटॉक वैसे भी बंद हो गया, आप लोग देख रहे हैं टिकटॉक पे उसके बहुत सारे वीडियोस थे, तो वो अब तलाश रही थी कि और कौन सा प्लेटफॉर्म चुना जाए। रोशन के बारे में सेठ जी को जब जानकारी मिली तो सेठ जी ने उसे बुलवाया और चाय के साथ रोशन हाजिर हुआ। सेठ जी से बैठ के बातें करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो बात करना शुरू किए तो वो भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी को संगीत सिखा सकते हो, तुम मेरी बेटी को पढ़ा सकते हो, गाना सिखा सकते हो, ऐसा संभव है? रोशन चूंकि इस हुनर का माहिर था, पहले उसने संकोच किया, फिर उसने कहा बिल्कुल, कार्य तो कार्य होता है, जो कार्य मुझे आता है मैं वो कर सकता हूँ। रोशन उस दिन से उस घर में वह उस स्तर का नौकर नहीं रहा, नौकर तो था लेकिन कार्य बदल गया, रूप बदल गया। वो सेठ जी की बेटी को संगीत सिखाना शुरू कर दिया, गीत सिखाना शुरू कर दिया, वह बहुत बेहतरीन संगीतकार था, गीतकार था, गायक था, वह कार्य शुरू कर दिया और सेठ जी की बेटी
बहुत ज्यादा उस कला में पारंगत होती चली गईं। एक समय आया कि उन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध बन गया और वह व्यक्ति न चाहते हुए भी सेठ जी को बहुत अजीज और प्रिय लगने लगा। जबकि वो बहुत सुलझा हुआ था, उसने बताया कि मैं एक गरीब परिवार का हूँ, मैं आप लोगों के स्तर का नहीं हूँ, मैं इसका गुरु हूँ, मैं इसको ज्ञान दिया हूँ, मैं इसके साथ मैं इसको गाइड करने के लिए हमेशा रहूँगा। लेकिन सेठ जी के निवेदन और अनुनय विनय पर वह हमेशा के लिए सेठ जी के घर पर ही रह गया, या यूं कहें कि अपने घर तो गया लेकिन सेठ जी की पूरी कायनात पूरी दुनिया उसकी हो चुकी थी। दोस्तों, मेरे कहने का आशय यह है कि सेठ जी ने रोशन के हुनर को पहचान लिया तो उससे बर्तन और झाड़ू पोछा करवा कर वह क्या प्राप्त कर सकते थे, आप सोच लीजिए। वह अपना हुनर, अपना पैसा रिकवर कर सकते थे। 10 महीने में 10,000 रुपए के हिसाब से सैलरी देते तो पूरा हो जाता, 1 साल में पूरा हो जाता, 1 वर्ष में 12 महीनों में। लेकिन रोशन के हुनर को पहचान कर, स्किल को पहचान कर उन्होंने अपनी बेटी को जो ज्ञान देने के लिए उसे अपॉइंट कर दिया। सोच कर देखिए, उनकी बेटी एक सफल गायिका बनकर अपने पूरे शहर में नामवर हो गई। उनको पैसे थे, उनके अच्छे एल्बम बने, उनकी वीडियोस बनी यूट्यूब पर, उनका जो है जो टिकटॉक पे नहीं कर सकी थी उन्होंने यूट्यूब पर शिफ्ट करके बहुत सारे अपने चैनल सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, अपने दर्शकों को बढ़ा लिए। यह कहानी दोस्तों आप लोगों को सिर्फ इतनी शिक्षा देती है कि जो व्यक्ति किसी हुनरमंद व्यक्ति को पहचान न सके, जान न सके, वह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। और यदि वह उसका सही उपयोग न कर सका तो फिर जो परिणाम आएंगे वो बहुत कम में परिणाम आएंगे। कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा निकाला जा सकता है, जिससे आप दूध से घी बना सकते थे, उस दूध को आप अगर सिर्फ चाय बना लिए तो क्या कर लिए। बहुत ज्यादा संख्या में दूध हो और आप सोचें कि उसे जलाकर खोआ बना दिया जाए, पनीर बना दिया जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन आप सोचें कि बहुत ज्यादा दूध है, चलो इसको कहीं बहा दिया जाए, चलो इसे कहीं सिर्फ जो है जानवरों को पिलाने में जो है खपा दिया जाए, तो दुरुपयोग हो गया। मतलब मैं एग्जांपल शायद आप लोगों को सटीक न दे पाया हूँ, लेकिन ये जान लीजिए, ये गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठकर कहीं एसी में चलाकर कहीं अच्छे कार्य पे भी जाया जा सकता है, और इस गाड़ी में आप बोरियां भर के ढोएंगे तो ये भी कार्य आ सकती है। लेकिन शायद उतनी बोरियां न भरी जा सके जितनी कि एक दूसरे लोडेड गाड़ी में भरी जा सकती हैं। तो जिसका जो उपयोग है, जिसका जो सदुपयोग है, वह कार्य उससे लीजिए, और इस तरह का प्रताड़ित करने वाला कार्य तो बिल्कुल किसी से न लीजिए। लोगों को अवसर दीजिए, मौका दीजिए। लोग जो है अगर योग्य हैं तो आज नहीं तो कल खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ आज की समापन देना चाहूँगा इस कहानी को, और जय जयकार जारी रहेगी दोस्तों। कहानियाँ आपको अजय साहनी की सुनने को मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।